आई एम एमशता खुराना फर्स्ट प्रोफेशनल एम बीबीएस स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू सो आप सभी ने न्यूज देख ली होगी कि नीट और जी उसी दिन पर कंडक्ट किया जाएगा और पोस्टपोन नहीं होगा फर्दर आपने और हमने मिलकर बहुत सारे ट्वीट किए बहुत अपनी वॉइसिस को वहां तक पहुंचाने की कोशिश की लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आ चुका है तो अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं जिसमें मैंने बताया था ट्वेंटी वन डेज में हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे और वो भी हम वेटेज वाइज करेंगे शुरू में हम सारे वेटेज वाइज

फोर्थ डे दे सकते हो आप आज आज तो हम आज थर्ड डे था लास्ट जो थ्री टारगेट था उसका आज लास्ट डे था तो आप कल भी दे सकते हो या फिर आपकी चॉइस है आप परसों भी एक टेस्ट दे सकते हो तो अब आप मैं आपको बताऊंगी कि टारगेट फोर के कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स मैं बार बार बोलती हूँ कि इन चैप्टर्स को मत छोड़ना पॉलीमर्स हो गया बायोमालिक्यूल्स हो गया केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ हो गया रिडॉक्स हो गया और एन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये सारे चैप्टर्स आपको कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर्स हैं लेकिन इनमें से एक एक क्वेश्चन जो आता है वो काफी ज्यादा ईजी आता है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं तो ये मत छोड़ना इजी चैप्टर्स हैं फटाफट हो जाए फिजिक्स के अंदर इलेवंथ की जो आपके तीन चैप्टर्स हैं हीट वाली यूनिट में जिसमें आपका हीट आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मोडानेमिक्स और के ये तीन चैप्टर्स आपको खत्म करने हैं और साथ ही साथ ई एंड ए सी एंड ए बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बिल्कुल ए सी और ई में ई थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आपको लगता है कि वो चैप्टर आपने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है तो आप क्या करोगे सिंपली फॉर्मूलाज करोगे और पी वाई कर लोगे और वो टारगेट को कंप्लीट करते जाओगे एसी में बहुत डायरेक्ट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप अपना कर सकते हो पूरा उसके साथ साथ बायो में आपको रिप्रोडक्शन पूरा करना है रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है ट्वेल्थ क्लास में वो आपको पूरी करनी है और साथ में एनिमल किंगडम आपको करना है और उसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मैंने जो चॉइस आपको दी थी वो आपको पूरा करना पड़ेगा अब आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग बोलने की दीदी इतना सारा सिलेबस है बट मैं आपको ये बात बताती हूं कि अगले ट्वेंटी डेज में अगर आप चाहते हो कि हम अपना पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लें तो आपको ऐसे ही थोड़ी स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी और हमें ऐसे ही चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे मैंने पूरे के पूरे ट्वेंटी डेज का शेड्यूल बनाया है, और उसी हिसाब से मैं तुम्हें टारगेट्स दे रही हूँ। अब कुछ लोग मेरे पास ऐसे डाउट ला रहे थे जिनकी बहुत ज्यादा वेटेज है और ईजी भी है तो एटलीस्ट वो अच्छे से कर लो इन टारगेट्स में से पर अगर चैप्टर है जैसे फिजिक्स का मान लो कोई केमिस्ट्री का जो आपने कभी भी नहीं किया है और बहुत डिफिकल्ट आता है या फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं कर पाओगे तो आप क्या करो सिर्फ फॉर्मुल उस चैप्टर के पढ़ लो और साथ में पीवाई क्यूज सोल्व कर लो पीवाई क्यूज वाले

थे आज सुबह से कि दीदी हमें टारगेट फोर के बताओ, हम कर चुके हैं, तो आप फोर लिखना है कितने लोगों ने टारगेट थ्री को कंप्लीट किया तो ऐसे ही मेहनत रहो मैं तुम्हें गाइड करती मोटिवेट मैं करती रहूंगी बस तुम्हें अब पढ़ाई करनी है अगर आज का दिन वेस्ट भी हो गया उसका गिल्ट मत लेना टाइम वेस्ट कर दिया ऐसा मत सोचना गिल्ट है हमारे ऊपर हमारा हो गया टाइम वेस्ट तो आगे की सोचो बस मूव ऑन करते जाओ की सोचो कोई बात नहीं हम थोड़ा कल ज्यादा पढ़ लेंगे अगर आज हमारा टाइम बेच में हम कल ज्यादा पढ़ लेंगे कवर ज्यादा कर लेंगे लेकिन गिल्ड मत लेना और कॉन्फिडेंट रहो अच्छे से मेहनत करते रहो आराम से तुम लोगों का सिलेक्शन हो सकता है अपने ऊपर से विश्वास मत खोना बस ठीक है लास्ट तक विश्वास करते रहो मैं तुम लोगों को गाइड करती रहूंगी ठीक है और बिल्कुल चिंता मत करनी ठीक है थीके? साथ में आप अपना पूरा अच्छे से जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो उतना करो देखी जाएगी जो रिजल्ट आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है हम अपना बेस्ट देंगे ठीक है तो स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट सी यू